हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। बिट से डे वन शिफ्ट वन का पेपर हो चुका है यार, और बच्चों का रिव्यू आना स्टार्ट हो चुका है। अपन यहां पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं आपके बिट सेट 2021 के फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम किस तरह से रहा है। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए लाइक का बटन जरूर दबा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ओवरऑल पेपर की अगर बात करें, तो ओवरऑल जो पेपर का लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। जैसे बिट सेट का पेपर आता है वैसा ही पेपर रहा है, लेकिन कई सारे ऐसा बच्चे बता रहे हैं कि सर इजी लेवल आप मान सकते हैं। ठीक है, इजी लेवल का पेपर आया है जिन बच्चों से मेरी बात हुई है। अगर मैं फिजिक्स की अगर बात करूं, तो फिजिक्स में इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं। केमिस्ट्री में आप अगर देखेंगे तो केमिस्ट्री भी इजी लेवल की आई है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एक क्वेश्चन था, ठीक है, और रिडक्शन से भी क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन का लेवल आया है। लॉजिकल रीजनिंग जो वैसी आती थी, सब बच्चे फोड़ते हैं, वैसी तरीके की आ रही है। इंग्लिश इजी आ रही है, सब बच्चे आराम से कर पा रहे हैं। ओवरऑल पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। ठीक है, जैसा अपन ने एक्सपेक्ट करते हैं यार कि पहले दिन का पहला एग्जाम जो रहता है वो जनरली इजी पूछा जाता है, तो वैसा ही हुआ है। सबसे जरूरी बात होती है बिट सेट में, आप अपनी क्या करें भाई, स्पीड को मेंटेन करें, और साथ में आप क्या करना है भाई, ठीक है, गलत क्वेश्चन नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जल्दी जरूर करना है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है, ये ध्यान रखें यार। ठीक है, तो जो बच्चे नए शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं या आगे की शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट गाइज, अपना बेस्ट परफॉर्म करो।